नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। स्वयंसेवक दिवस पर भारत स्काउट गाइड द्वारा तैराकी प्रशिक्षण संपन्न लड़कियों को भी एक कुशल तैराकी होना चाहिए। सोनिया सिंह, भारत सरकार खेल मंत्रालय एवं युवा मामले के अंतर्गत स्वयंसेवक दिवस पर भारत स्काउट गाइड द्वारा एक दिवसीय तैराकी प्रशिक्षण दाना खेल विभाग की सहायता से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिलवासा में खेल सचिव अरुण गुप्ता के आदेशानुसार संतोष कापड़ी एवं जिला प्रशासन खेल समन्वयक अधिकारी महेश पटेल के सहायता से रेंजर लीडर सोनिया सिंह, स्काउट गाइड रोवर स्काउट लीडर मनीष झा, फेलोशिप सक्रिय सदस्य स्वरूपा शाह, राहुल शाह, रोवर प्रभात मिश्रा एवं शीतल मिश्रा द्वारा आयोजित किया गया। इसमें मुख्य रूप से सोनिया सिंह एवं स्वरूपा शाह ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल में सभी स्काउट गाइड को पानी के अंदर फ्लोटिंग एवं गहरी सांस रोकना सिखाया, जिससे कि सभी में सहन शक्ति का आभास हो सके। उसके बाद सभी में गहरी सांस रोकने की प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें गाइड में प्रथम स्थान लक्ष्मी मिश्रा, द्वितीय स्थान अंजलि सिंह एवं तृतीय स्थान संयोगिता सिंह ने प्राप्त किया। वहीं स्काउट में तैराकी में प्रथम स्थान तने सेठ एवं द्वितीय स्थान आर्यन गोगरे ने प्राप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से महेश पटेल एवं गजराज सर की उपस्थिति में सभी तैराकी प्रशिक्षक को उपहार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। एवं सोनिया सिंह ने बताया कि आज के समय में सभी को तैराकी प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करने में सहयोग कर सके, जिसके लिए दाना भारत स्काउट गाइड ने सोनिया सिंह, स्वरूपा शाह, मनीष झा, राहुल शाह एवं टीम का आभार व्यक्त किया। देखिए यह खास रिपोर्ट और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। और आज आप विनर रही, कैसा फील कर रही हैं आप? सर बहुत अच्छा लगा, ब्रेथ होल्डिंग सीख लिया, स्विमिंग सीख लिया, मतलब मैम ने सिखा दिया एक ही दिन में, वो भी हमें इतना सब कुछ, तो बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत अच्छा लगा। इसके पहले मैं कभी गई भी नहीं थी स्विमिंग, मेरा फर्स्ट डे है। आपने जो सेकंड रही, अच्छा लगा, गुड। यस सर, मतलब मेरे को तो पहले पानी से डर लगता था, मैं सांस 5 सेकंड भी नहीं रोक पाती थी, अभी इतना ज्यादा मतलब खुशी हो रही है। थर्ड आए आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके, बहुत अच्छा है सर, मतलब इतनी जल्दी इतना सीख लिया, पहले भी गई हूँ बट बस चल के आ गई हूँ वाटर में से, आज इतनी जल्दी। अच्छा टाइम मिला आपको सीखने के लिए सोनिया मैडम और सुरभा मैडम द्वारा बच्चों को? सर आज जो स्काउट एंड गाइड की तरफ से ये अपना वॉलंटियर्स डे, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी वॉलंटियर्स डे, जो कि हमारे बच्चे हमेशा तटस्थ रहते हैं वॉलंटियर सर्विस देने के लिए हर जगह, सिलवासा और आउट ऑफ सिलवासा में भी, तो उनको उनके लिए हमें कुछ करना करना था, तो वही सुधांशु शेखर सर जी आपके साथ हमारा डिस्कशन हुआ कि हम लोग क्यों ना बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ कुछ ट्रेनिंग भी दे सकें, तो आई थिंक सो ये हमारा एकदम सफल रहा, क्योंकि बच्चों ने आई थिंक सो 1 घंटे में काफ़ी फ्लोटिंग तक वो सीख चुके हैं, जो कि कम से कम 1-1 हफ्ता लग जाता था सीखने के लिए, और बहुत अच्छा बच्चों ने किया, और मैं चाहूँगी आगे भी ये लोग इसी तरह अपना स्विमिंग को थोड़ा अपना लाइफस्टाइल में ले, सर्दियों के बाद आप लोग ज्वाइन करो। किस तरह आभार मानना चाहेंगे सुरभा मैडम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ऑफ दादरा नगर हवेली का स्काउट गाइड के लिए, जो आज उन्होंने यह अवसर दिया बच्चों को सीखने के लिए? DNH भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से मैं मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का आभार मानना चाहूँगी कि आज हमारे सारे बच्चों को वॉलंटियर्स डे पे उन्होंने स्विमिंग सीखने का मौका दिया, और जिसमें हमारे बच्चों ने एंजॉय भी किया और उसके साथ साथ उन्होंने सीखा भी। वॉलंटियर्स डे पे आज जो हमने स्विमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था उसमें सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया, जिसमें हमने 2 कॉम्पिटिशन रखे थे गर्ल्स के लिए, जो था ब्रेथ होल्डिंग और दूसरा था कि जो हमने आज 2 घंटे में सीखा उसमें जो सीखा है वो उसमें बेस्ट कौन किया है, तो फ्लोटिंग का हमारा था एक कंसेप्ट कि हम आज एटलीस्ट इन सबको फ्लोटिंग सिखा देंगे सर, तो हमने वाटर में हमने रनिंग भी कराई बच्चों से, जो एक फन एक्टिविटी थी, उसमें बच्चों ने फील किया कि पानी का प्रेशर एक्चुअली कितना होता है, वो आप लोगों को पता चला उससे। फ्लोटिंग बच्चों ने आज सीख ली, लड़कियों ने हमारे और लड़कों ने फ्लोटिंग सीख ली है 1 घंटे में, जो कि आई थिंक सर 1-1 हफ्ता लग जाता है सीखने के लिए, कम से कम 1 हफ्ता लगता है ये चीज़ सीखने में, जो कि आप लोगों ने 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छा सीखा, और इसी तरह इस चीज़ को ना स्विमिंग को अपनी हैबिट बनाओ, क्योंकि सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है स्विमिंग, कंटिन्यूशन में लाओ कि अगर आप 1 घंटे में इतना अच्छा कर सकते हो तो आई थिंक सो अगर आप रेगुलर करोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो, और हम लोग हैं सर हैं गजराज सर, जो कि इवन मैं भी सर से सीखती हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, हालांकि यहाँ पे सिखा रही हूँ लेडीज को,
लेकिन हमेशा रहता है सर इसमें और हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, तो सर का हमेशा हमें बहुत सपोर्ट रहता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुधांशु सर इतना अच्छा बच्चों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो रियल में वॉलंटियर्स का हमेशा सिलवासा में जगह जगह हमें दिखेंगे वॉलंटियर करते हुए, तो आज बहुत ही सही रूप में हमने वॉलंटियर्स डे मनाया एंजॉय करते हुए और सीखते हुए। थैंक यू सो मच। एक स्विमिंग आप लोगों के लिए नया इवेंट है, उस इवेंट को थोड़ा डेवलप करें ताकि जीवन में कोई भी फील्ड में तुम पीछे न रह जाओ। थैंक यू वेरी मच। जो बिग रोकने में हुई थी संयुक्ता सिंह, क्लैप्स गो, बहुत अच्छा, मुबारक हो संयुक्ता सिंह। पार्टिसिपेट करने आए हैं सभी बच्चे और सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे स्विमिंग के आधारित क्या कि अपना जो शरीर का पूरा महत्व है कि जो स्विमिंग करेंगे तो पूरा का पूरा जो शरीर का कोई भी एक्टिविटी से वो क्लियर हो सकती है, उसके वजह से यहाँ पे स्विमिंग करना जरूरी। कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो भी ये स्विमिंग करेंगे ना तो सबसे लिए पूरे तन के लिए वो सबसे अच्छा जरूरी है। यहाँ पे स्विमिंग के दो एक हमारे लाइफ गार्ड है, स्विमिंग के कोच है, वो पूरे के पूरे टाइम यहाँ पे सुबह सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल यहाँ पे चालू रहता है। यहाँ पे एक सेवा देते हैं साथ साथ में यहाँ पे सीखने को भी मिलता है पूरा का पूरा। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते या कुछ भी काम हो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में पूरा यहाँ पे DNS का पूरा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में महेश पटेल हूँ। और यहाँ पे कुछ भी स्विमिंग का सीखना है या कुछ भी एक कंपटीशन करवाना है तो फिर यहाँ पे आके आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे एक काम कार्य के हेतु मुझे बुलाया गया, उसके लिए मुझे सुधांशु सर का एक थैंक यू बोलना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।